लीनियर स्पैन की एक थ्योरम है, ध्यान से समझने कुछ गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जितने ज़्यादा सिंबल उतनी टफनेस लगने लगती है। ये कह रहा है जो लीनियर स्पैन होता है, लीनियर स्पैन बोले तो बात करते हैं, लीनियर स्पैन होता है ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस, सबसेट बोल रहा हूँ मैं, सबसेट नहीं बोल रहा हूँ, सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, यानी वी का एक सबसेट निकाला गया, यानी एलिमेंट एस में किसके किसके होंगे, वी के ही होंगे, एस में ज्यादा होंगे या वी में ज्यादा होंगे, वी में ज्यादा होंगे, मतलब वी में 50 है तो उसमें 30-35 हो जाएंगे, और इसमें जितने लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका एक सेट बनाया गया, वो क्या हो गया, लीनियर स्पैन। तो कह रहे हैं कि जो लीनियर स्पैन है ना वो सब स्पेस होगा, क्या होगा, सब स्पेस होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल सब स्पेस होगा, हाँ समझ पा रही है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, जरा समझने की कोशिश करिए। हम पहले यहां पर क्या करेंगे कि एक लीनियर स्पेस मानेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये दिखाएंगे कि वो भाई एम्प्टी नहीं, एम्प्टी नहीं, कोई कोई एलिमेंट उसके अंदर है, पहली बात तो उसमें कुछ न कुछ है, ठीक है। फिर अब उसको हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे, सब स्पेस करने के बाद उसको स्मॉलेस्ट प्रूफ करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा सब स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ उससे छोटा नहीं, छोटा तो हो सकता है, हाँ छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्या बोल रहा हूँ, स्मॉलेस्ट है उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे छोटा है, ना 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, सबसे छोटा है उससे छोटा नहीं हो सकता, वही 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 तो उल्टा बोल रहे हो। देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन, आप लीनियर स्पैन जानने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए और लीनियर स्पैन मालूम होना चाहिए। लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या कहती है, LS बराबर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा N, ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा N, इस प्रकार से होंगे, सच दैट ये जो आपके A1 A2 है किसको बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल AIs बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा आईज बिलोंग्स टू S, S के एलिमेंट है ना, नहीं V के नहीं है, S के एलिमेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ V भी कह सकते हो, S के कह सकते हो, V के कह सकते हो, S के हैं तो V के तो होंगे होंगे, अंडरस्टूड है। अब जरा समझने की कोशिश करो, हमने मान लिया लेट अल्फा बिलोंग्स टू S, मैंने मान लिया कि एक अल्फा एलिमेंट S को बिलोंग करता है, ठीक है, और मैं मान लूं कि A बिलोंग टू 1, A इसकी एक वैल्यू 1 ले लूं, ठीक है, तो अगर A 1 है, सॉरी अल्फा एस में है और ए वन में है, तो आप जानते हैं कि वन इंटू अल्फा भी एक एलिमेंट होगा, होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एल एस को बिलोंग करेगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये एल एस को बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी एल एस इज नॉट नॉन एम्प्टी, कम से कम एलिमेंट एक हमने ले लिया जाकर के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सावधान, अल्फा किसको बिलोंग कर रहा था, ये अल्फा ही तो लिखा हुआ है, अल्फा किसको बिलोंग करेगा, यानी कि अल्फा एस में था और अल्फा ही एस एल एस में भी है, ठीक है, बड़ा कौन है, एस बड़ा है या एल एस बड़ा है, एल एस बड़ा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि एस जो है वो किसका सबसेट है, एल एस का सबसेट है, यानी एलिमेंट एल एस में ज्यादा है, ज्यादा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये किसका सबसेट है, ये वी का सबसेट है, भाई एस एल एस का सबसेट है और एस वी का सबसेट है, तो एल एस भी वी का सबसेट है, तो ये तो प्रूफ हो गया इसका एक सबसेट है, ठीक है। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि LS यानी LS के एलिमेंट कहां से आए हैं, V से ही आए हैं, भाई S में आए तो है ही है और S का सबसेट LS है, ये इसमें हमने शो कर दिया, कम से कम एक एलिमेंट कुछ तो है ही है, तो LS कहां से आया है, V से, भाई हो सकता है सब एलिमेंट V के ना हो, कुछ तो एलिमेंट है ही ना LS में, अब आपको शो क्या करना है, टू शो कि LS इज अ वेक्टर स्पेस, LS को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। आप बताइए वेक्टर स्पेस प्रूव करने का तरीका क्या होता है, एबेलियन प्रॉपर्टी या तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू, वो तो सब स्पेस हो जाएगा। तरीका क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू एल एस, ये प्रूव करना होता है, बस एक फाइनल प्रॉपर्टी, सब पूरे प्रूव करना होता है, एक हमने डायरेक्ट दिया था सब स्पेस का, कि अगर अल्फा और बीटा एस में है और ए बी एफ में है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा को भी आप इसमें प्रूफ कर दो, एस में प्रूफ कर दो, तो एस क्या हो जाता था, सब स्पेस हो जाता था, वही करिए आप, सब थोड़ी करेंगे,
अब देखो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये सब स्पेस होगा, स्मॉलेस्ट बात में आते हैं, अरे इसको हम सब स्पेस प्रूव करेंगे। देखो ध्यान से, हमने माना कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एलएस, हमने कहा एलएस में अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं, देन क्योंकि एलएस के एलिमेंट कैसे हैं, एलएस के एलिमेंट लीडर कॉम्बिनेशन के रूप में है, तो अल्फा को कैसा लिखा जाएगा, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन टाइप के होंगे ना, जहां पर फॉर ऑल ए वन ए टू अप टू ए एन किसको बिलोंग करेंगे, एफ को, और अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा किसको बिलोंग करेंगे, एस को, री को भी कह सकते हैं लेकिन एस से हमने लिया, एस की हम बात कर रहे हैं। और बीटा को कैसे लिखा जाएगा, बी वन अल्फा वन, मान लो थोड़ा सा सिमेट्री रहेगी, बी वन बीटा वन, भाई एल एस के जो एलिमेंट हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू सो ऑन प्लस बी एन बीटा एन फॉर ऑल बी वन बी टू अप टू बी एन बिलोंग्स टू एफ एंड बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाउ अब क्या करना है, हम ए बी एफ को लेते हैं एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालने जा रहे हैं। अगर ये हम निकाल लें और ये किसको बिलोंग करे, एस को बिलोंग करे, सॉरी एल एस को बिलोंग करे, तो एल एस क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। अच्छा, ए अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन प्लस बी बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस बी एन बीटा एन ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए ए वन अल्फा वन प्लस ए ए टू अल्फा टू प्लस ए ए एन लिख सकते हैं अल्फा एन, और प्लस ऐसे बना दो, इसको हम लिखते हैं बी बी वन बी बी वन बीटा वन प्लस बी बी टू बीटा टू प्लस सो ऑन प्लस बी बी एन लिख सकते हैं, लिखो। ये आपका नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा, ये आपका नंबर कैसा, रियल नंबर होगा, ये रियल होगा, तो क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, जिसका मतलब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो किसको बिलोंग करेगा, एलएसओ करेगा। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, एलएस को करेगा। और अभी हम बता चुके हैं अगर अल्फा बीटा एलएस में है, ए बी आपके एफ में है, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा भी एलएस में होंगे, सो एलएस विल बी सब स्पेस, एलएस विल बी सब स्पेस, एलएस यहां पर सब स्पेस होगा। देखिए अब दिखाना पड़ेगा आपको कि जो आपका एलएस था ना वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। अब उसको कैसे करें, तो वो किसी को स्मॉलेस्ट कैसे दिखाएंगे, आप हमको छोटा दिखाना चाहते हैं तो आपको हमसे बड़ा एक पेश करना पड़ेगा कि ये आपसे बड़ा है और आप इसे छोटे हैं, देख रहे हो, और आप सबसे छोटे हैं, आपसे सब बड़े हैं, ये करेंगे ना। तो मैं इसको स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए क्या करूँगा कि एक मान लेता हूँ कि एक डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है, यानी आप अब आपको शो करना है टू शो कि एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज कर लीजिए सब स्पेस। हमने मान लिया लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस, एक डब्ल्यू जो है हमने ये सब स्पेस मान लिया है, ठीक है, कहाँ का होगा, ऑफ वी, ऑफ वी कंटेनिंग कंटेनिंग एस, यानी कि डब्ल्यू ऐसा सब स्पेस माना है जिसमें जो एस को भी कंटेन करता है, यानी एस डब्ल्यू के अंदर है,
यानी मैं कह सकता हूं कि W जो है ना, S जो है वो सबसेट है W का, तो बड़ा कौन हुआ? W बड़ा हुआ, S छोटा था, और S के अंदर से लीनियर कॉम्बिनेशन LS के अंदर आ गए। मतलब W, देखिए S एक सबसेट था, सबसेट था, सब स्पेस नहीं था, S सबसेट था, S में कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन थे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ सेट बनाए, वो LS हो गया, ठीक है, LS हो गया, और S पूरा पूरा W के अंदर है, और W के अंदर खुद में लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? W, तो छोटा कौन हुआ? LS, तो सबसे छोटा कौन हुआ? LS, यही आपको लिख देना है बस, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि मान लेते हैं कि लेट अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन जो S को बिलोंग कर रहा था, और S सबसेट किसका है? W का, जानबूझ के मैंने सबसेट का ये साइन बनाया, ये साइन होता है तो इक्वलिटी नहीं होती, इसलिए हमने ये साइन बनाया, ठीक है। तो अब चूंकि हम जानते हैं एंड W इज अ सब स्पेस, W क्या है? सब स्पेस है, और जो सब स्पेस होता है उसमें कुछ ऐसी कंडीशन ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप की होती है ना, सब स्पेस के लिए, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन V के पॉसिबल हैं वो W के अंदर होंगे। तो चूंकि W सब स्पेस है, इसका मतलब ये हुआ, सो ए अल्फा वन ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू अप टू ए एन अल्फा एन, ये भी W को बिलोंग करेगा, यानी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन से LS के अंदर हैं उससे ज्यादा W के अंदर है, तो W ऑलरेडी बड़ा है, W S से बड़ा है, और S के अंदर के लीनियर कॉम्बिनेशंस LS के अंदर आ रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि W के अंदर सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे S के, सो एस W हैज ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ S, सो LS, और LS के अंदर भी था, तो LS भी W को बिलोंग करेगा, जब LS W को बिलोंग करेगा तो भैया बड़ा कौन होगा? सो W बड़ा होगा, सो LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, इसलिए ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, समझने वाली है। तो ये आपकी थ्योरम है, सो कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं, थोड़ा मेमोरी में रखना पड़ता है, ठीक है, ओके।